त्रिपुरा के गोमती जिले में बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन DYFIA के बीच हिंसक झड़प हुई है। आरोपों के मुताबिक CPM की छात्र इकाई एक रैली निकाल रही थी, जिस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हो गई। झड़प में एक बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है, जबकि लेफ्ट के भी 2-3 घायल हैं। तोड़फोड़ और आगजनी की गई है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं त्रिपुरा से, जहां पर बीजेपी और CPM के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। त्रिपुरा के गोमती जिले में बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन DYFIA के बीच हिंसक झड़प हुई है। आरोपों के मुताबिक CPM की छात्र इकाई एक रैली निकाल रही थी, जिस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। झड़प में एक बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है, जबकि लेफ्ट के भी 2-3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। CPM नेता सीताराम येचुरी ने झड़प के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। येचुरी ने हिंसा का एक वीडियो भी ट्वीट किया है, आपको वो वीडियो दिखाते हैं। उन्होंने ये वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी CPM के कार्यकर्ताओं को त्रिपुरा में निशाना बना रही है। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीडियो सीताराम येचुरी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, और इसको ट्वीट करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में बीजेपी CPM के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, CPM के दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में लिखा है, देखिए। बीजेपी विपक्ष से इतना डरी हुई है, ऐसे हमले निंदनीय हैं और ये सब बंद होना चाहिए। ये लिखते हुए इन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया, जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। मनोज्ञा, क्या कुछ हो रहा है, आखिर अचानक CPM और बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से सामने क्यों आ गए, और काफी कुछ ये बंगाल के जैसा दिखाई दे रहा है वहां पर? देखिए, आपकी बात सही है, बिल्कुल आदर्श। पहली बात तो ये कि त्रिपुरा में जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हो रही है, वो पहली नहीं है। हिंसा का इतिहास पहले भी रहा है, लेकिन अब सत्ता में बीजेपी है और विपक्ष में CPIM, और ऐसे में बार बार प्रमुख विरोधी दल होने के बावजूद जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें भिड़ंत नहीं है। आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने CPIM के कार्यकर्ता यानी कांग्रेस जो मार्च कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मानिक सरकार पर हुए हमले का मंगलवार को, उसमें हिंसा की घटनाएं हुई है, जिसके बाद लगातार तोड़फोड़ हुई है और CPIM के कई दफ्तर तोड़े गए हैं पूरे राज्य में। ऐसे में हिंसा की तस्वीरें सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि 2023 में चुनाव होना है और तृणमूल कांग्रेस भी अब मैदान में उतर चुकी है जी। और जो तमाम लोग घायल हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है और दूसरी तरफ CPM के भी कुछ कार्यकर्ता घायल है, और क्या बीजेपी की तरफ से अभी कुछ कहा गया इस पर? बीजेपी की तरफ से प्रतिमा भौमिक, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है राज्य सरकार की तस्वीर को धूमिल करने की। तो वहीं दूसरी ओर CPIM ने कहा है कि तस्वीरें सामने हैं, सब दिख रहा है, ऐसे में जनता को बार बार गुमराह नहीं किया जा सकता है। ये आरोप लगातार लग रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता चोटिल हैं, तो वहीं दूसरी ओर CPIM के कई कार्यकर्ता कांग्रेस इस समय अपने अस्पतालों में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सवाल दोनों पक्ष पर ही है जो इस समय सड़कों पर लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे सहयोगी पूरा अपडेट दे रही थी। ये देखिए, त्रिपुरा के खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया है और ये वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है कि बीजेपी विपक्ष से इतनी डरी हुई है कि अब हिंसा पर उतर आई है। आपको बता दें, कल त्रिपुरा में बीजेपी और CPIM के कार्यकर्ता, छात्र संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, जिसमें दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता घायल हुए, और उसके बाद सीताराम येचुरी ने ये तस्वीरें, ये वीडियोस ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये तोड़फोड़, ये आगजनी बीजेपी की तरफ से की गई है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी विपक्ष से इतनी डर गई है कि बीजेपी अब इन चीज़ों पर उतर आई है, और क्यों डरी हुई है बीजेपी विपक्ष से, ये उन्होंने सवाल उठाया है। और ये भी कहा कि ये हमले जो हैं वो निंदनीय हैं और इस तरह के हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। हालांकि त्रिपुरा में पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन बीजेपी अब मुख्य विपक्षी मुख्य पार्टी है और जो CPIM है वो विपक्ष में है, और ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच कई बार इस तरह की भिड़ंत देखने को मिल रही है। और देखिए, बीजेपी ने हिंसा के लिए लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराया है। बाहरी लोगों को लेके गए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साधारण नागरिक जो रोड पे चलते हैं, उन लोगों को, किसानों को, बिजनेसमैन को, दुकान को तोड़फोड़ किया, जानलेवा हमला किया, 17 लोगों को कैजुअलिटी हुए, 2 लोगों को अभी हॉस्पिटल में वो एडमिट है, हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है, ऑपरेशन भी लगा।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।